सो इस वीडियो में बात करते हैं कि जो जयपुरिया कॉलेज है, जयपुरिया कॉलेज का एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस साल क्या रहने वाला है। पिछले साल का अगर छोड़ दे बात, क्योंकि पिछले साल तो एग्जाम नहीं हुआ था तो कट ऑफ थोड़ा हाई था, बट उससे पहले का ट्रेंड अगर देखा जाए तो उस ट्रेंड के हिसाब से कट ऑफ नॉर्मली क्या जाता है जब एग्जाम होते हैं पूरे ऑफलाइन अच्छे से, ठीक है ना। उसका ट्रेंड क्या होता है, कितने कितने मार्क्स जनरल में क्या आते हैं, ओबीसी एससी एसटी में कितना आते हैं, ठीक है। तो बेसिकली बता दूं, ये वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज है जिसका गोयनका में, जिसका जेवियर में नहीं होता है एडमिशन, तो वो इसी कॉलेज में लेता है नॉर्मली। उसके गोयनका और जेवियर को छोड़ दे, उसके बाद जो कट ऑफ हाई रहता है नॉर्मल इस कॉलेज का रहता है, स्पेशली बीकॉम कॉम के लिए, ठीक है। और सब और भी कोर्सेज जो भी है उसमें भी हाई ही रहते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं कट ऑफ का। तो बेसिकली आपका अगर आप जनरल कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपका इसका कट ऑफ नॉर्मली आपका 85 to 89 के बीच में रहता है हमेशा। इतना परसेंटेज अगर आपका आता है और इसके आसपास भी रहता है, मतलब मान लो 82-83, तो आप अप्लाई कर सकते हो। ये बेस्ट ऑफ फोर का मार्क्स है, इतना परसेंटेज आपका रहा, मैथ रहे नहीं रहे मैथ से कोई फर्क नहीं है, बिना मैथ के भी चल जाता है। मैथ सिर्फ जेवियर में आपको कंपलसरी लगता है, ठीक है। 85 to 89 अगर आया जनरल में है तो आप अप्लाई कर लो, क्योंकि 85-86 आया तो गोयनका में बहुत कम चांस है, तो जेवियर तो जयपुरिया में आपका आराम से हो जाएगा, जयपुरिया कॉलेज में, ठीक है। तो इसके अराउंड अगर आपका होता है तो डेफिनेटली आप एडमिशन ले लेना। 82-83 भी होता है तो आप फॉर्म फिलअप कर देना, ठीक है। अब फॉर्म फिलअप का जैसे ही आएगा अपडेट तो उसमें बता ही दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर ओबीसी की बात करें, वही सेम चीज़, 2-3 मार्क्स आगे पीछे रहता है, 82 to 86 के अराउंड आपका पड़ जाएगा, इसका कट ऑफ रहता है, ठीक है। और एससी एसटी अगर आप हो, जयपुरिया कॉलेज में हो, तो अराउंड अगर आपका 80% to 83-84 भी परसेंट आता है ना, तो आपका आराम से हो जाता है, ठीक है। इतना भी परसेंटेज होगा तो आपका आराम से निकल जाएगा, आपका इस कॉलेज में हो जाएगा। तो ऑब्वियसली देखो, जिसका गोयनका में सबका नहीं होता, क्योंकि पूरा अब देखो पूरा इंडिया से बेस्ट ऑफ जितना इंडिया में, तो बहुत सारे पूरा इंडिया से आता है, इंडिया से गोयनका में आता है पढ़ने, तो उसका कट ऑफ इसलिए हाई रह जाता है। और ये सब में भी आता है, बट ठीक है, जिसका गोयनका में नहीं होता उसके लिए उसके बाद जो बेस्ट कॉलेज रहेगा आपके लिए यही रहेगा, उसका कट ऑफ यही सब बिलोंग करता है। एक्सपेक्टेड है, एस्टिमेशन है, आगे पीछे थोड़ा मोड़ा हो ही सकता है, ठीक है ना। तो हर साल का जो ट्रेंड है उसी के हिसाब से बता रहा हूँ, इस साल भी कट ऑफ इसी के आसपास ही रहेगा, ठीक है। चलो, जब से ही फॉर्म फिलअप का वीडियो, मतलब फॉर्म फिलअप का इन्फॉर्मेशन आता है तो वैसे ही मेरे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा, ठीक है, ताकि सारा अपडेट आते रहे लेटेस्ट आपको, ठीक है। थैंक यू सो मच।